9 न्यूज में आपका स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात केंद्र सरकार लेकर आई। उन्होंने दावा किया कि संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के दौरान ही यहां पर हम एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लागू करने की बात करेंगे। यहां पर जनता से राय भी मांगी जाएगी कि आखिरकार वाकई ये सच है कि यहां पर अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आएंगे तो यहां पर सही तरीके से देश चलता हुआ नजर आएगा, यहां पर लोगों की परेशानियां कम होंगी। तो वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हुई नजर आई। तमाम लोग यहां पर केंद्र सरकार पर हमलावर साबित हुए। तो वहीं इसी बीच यहां पर अब चुनाव आयोग का भी एक बयान सामने आया है। आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। कुमार और आयोग के अन्य शीर्ष अधिकारी बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों, प्रशासन और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 3 दिवसीय समीक्षा बैठक करने के लिए भोपाल के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है। कुमार ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 5 साल में चुनाव कराए जाएं। प्रावधानों के अनुसार इलेक्शन कमीशन 5 साल का समय समाप्त होने से 6 महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मतदंड समान है। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिश देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें तमाम जनता से भी सवाल पूछे जा रहे थे। अब ऐसे में सीधे तौर पर यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से, यहाँ पर चुनाव आयुक्त जो हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है और उन्होंने अपनी बड़ी बात एक राष्ट्र एक चुनाव पर रखी है।